जैसा कि प्राथमिक जांच में ये पता लगा कि यहाँ से 4 बैटरी उठाए गए, लेकिन जैसे अभी चोरी होने का खुलासा होने के बाद में बारीकी से जब ध्यान किया जा रहा है तो ऐसा लगा कि यहाँ पर भी घटना, ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर भी 4 बड़े बैटरे थे, वो भी अभी गायब हैं। और धीरे धीरे और भी जांच की जा रही है कि कौन कौन सा सामान गायब हुआ है। आइए देखते हैं अंदर का एक नज़ारा। अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगाई सेंध, ट्यूबला, इन्वर्टर, बैटरी सहित कीमती सामान किया चोरी। थावला जिला नागौर, राजस्थान। संवाददाता रेखा कुमावत कस्बे के सदर बाजार में स्थित थावला गैस एजेंसी के पास नाकोडा इलेक्ट्रिकल के गोदाम में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए ट्यूबला, इन्वर्टर, बैटरी सहित कीमती सामान चुरा लिया। गोदाम के मालिक शोभाराम निम्बीवाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात अज्ञात चोरों ने नो ट्यूबला, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिया। चोरी करने के लिए अज्ञात चोरों ने गोदाम के मुख्य द्वार का उपयोग नहीं किया। गोदाम के पास खाली पड़े प्लॉट में से चढ़ते हुए दीवार फांदकर गोदाम में पहुंचे और पूरे 9 बैटरियों का तेजाब गोदाम में ही खाली करके बैटरी को फंटा और बली की सहायता से खाली प्लॉट में से होते हुए ले गए। चोरी होने का खुलासा तब हुआ जब गोदाम मालिक गोदाम में सामान लेने पहुंचा तो अलसुबह देखा कि गोदाम के मुख्य द्वार पर तेजाब ही तेजाब गिरा हुआ है, जो पूरे रास्ते में बिखरा हुआ था। दरवाजा खोलकर देखा तो होश उड़ गए, सभी इन्वर्टर बैटरी गायब थे और पूरे गोदाम में तेजाब ही तेजाब बिखरा पड़ा था। गनीमत यह रही कि चोरों की नज़र नए बैटरों पर नहीं पड़ी, वरना वहां पास ही पड़े नए बैटरी भी ले जाते। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग भी मौके पर इकट्ठे हो गए। रात को करीब 2 बजे के आसपास में धम धड़ाम की आवाज सुनने के चर्चे भी पड़ोसियों के द्वारा सुनने को मिले, लेकिन तेज ठंड और देर रात्रि की वजह से कोई भी बाहर नहीं आया। अब इस गोदाम के आसपास के सभी सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ती देख क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। सीसी फुटेज खेलते हुए ऐसी आशा रखी जा रही है कि चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी ने भी चोरी की घटना को लेकर पुलिस को सूचना नहीं दी है। ये अंदर का गोदाम का जो अंदर का दरवाज़ा है, यहाँ पे एक बड़ा रूम है और इसमें भी पूरी तरह से सेंध लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा कि कोई ना कोई आस पड़ोस का जाग गया होगा या जाग हो गई होगी। उसके बाद चोरों ने यहाँ सेंध लगाना उचित नहीं समझा और वो दौड़ गए। अभी जो चोरी हुई है उसकी अनुमानित राशि करीब 50,000 रुपये के आसपास के बैटरे यहाँ से चोरी हुए हैं। और अभी दुकान मालिक या गोदाम मालिक द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है कि और क्या क्या सामान यहाँ से गायब हुआ है। अनुमान तो ऐसा भी लगाया जा रहा है कि चोर कोई बाहर के नहीं होंगे, क्योंकि आसपास के ही होने चाहिए। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से, और आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि अज्ञात चोरों ने रात को सेंध लगाते हुए नाकोडा इलेक्ट्रिकल जो एक शॉप है उनका ये गोदाम है और इनके मालिक हैं शोभाराम निम्बीवाल। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गोदाम में रात को अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई है और यहाँ पे जो पुराने
इन्वर्टर के जो बैटरी होते हैं ट्यूबलर बैटरी, वो चार बैटरी यहाँ से चोरी हुए हैं। चोर कहाँ से घुसे, कैसे घुसे, उन्होंने कब सेंध लगाई, इनका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी चोर पकड़े जाएंगे, ऐसी हम लोग सभी आशा करते हैं, क्योंकि इस गोदाम के चारों तरफ सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, पड़ोसियों के सीसी कैमरे हैं, जिस रास्ते से चोर लेके गए हैं उन सभी रास्तों पर सीसी कैमरे अभी खंगाले जाएंगे और चोर पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा कि चोर किस रास्ते से घुसे हैं, अनुमानित कैसे उन्होंने बैटरी उठाए होंगे, क्या क्या होगा, आइए देखते हैं अंदर के वो नज़ारा जहां पर पुराने बैटरी पड़े हैं और पुराना सामान भी पड़ा है। जब मैं गोदाम में गया था तो मेरे गोदाम से 9 बैटरियाँ और कुछ सामान वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें गायब है, और कल रात को भी लेके गए थे, परसों रात को भी चोर लेके गए थे। आपको पता कब लगा? मेरे को आज सुबह गया था तो पता लगा कि बाहर बैटरियों का पानी, वो एसिड का पानी बाहर आया हुआ था, तो मैंने चेक किया, फिर उसमें कुछ बैटरियाँ मैंने ढक्के रखी थी उसमें, मेरे को परसों पता नहीं लगा, कल आज सुबह गया तो पता लगा। आपके आसपास में कोई सीसी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ लगे हुए हैं, हम चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है, कौन आया है।